ओके ऑल गुड लेट्स गो। तो मैं हमीर और आपका मातिन क्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आईसीएल 5 स्टूडियो एक नए वीडियो लेकर फिर आज हम बात करेंगे मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एटीके मैच के बारे में। मैं आपको इस मैच का प्रीव्यू दूंगा, प्लेइंग 11 बताऊंगा, साथ साथ विनिंग चांसेस भी बताने की कोशिश करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो 24 नवंबर आईएसएल 5 का नंबर 38 मैच मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एटीके मुंबई के मुंबई फुटबॉल एरिना पर मैच होगा। शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहते हो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर यूट्यूब पर देख सकते हो, टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो चलिए हम दोनों टीमों का पहले लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं मुंबई सिटी एफसी। तो मुंबई सिटी एफसी का लास्ट मैच हुआ था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ, जहां पर मुंबई सिटी एफसी ने अपना जीत हासिल कर लिया था। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को एक गोल लगाकर हरा दिया था। तो दोस्तों लास्ट मैच मुंबई सिटी एफसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीत लिया था और उनके साथ बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा इस मैच पे। तो लास्ट मैच पे जैसा कि जीत हासिल कर लिया, तो जैसा खेला था वैसा ही अगर इस मैच पे खेल दिखाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इनको ज़्यादा अटैकिंग और ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि एटीके का डिफेंस बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको गोल लगाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करना पड़ेगा एटीके को। तो दोस्तों अगर मुंबई सिटी एफसी का अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो उन्होंने टोटल 7 मैच खेला है, जहां पर 4 मैच जीत लिया है, 1 मैच ड्रॉ किया है, 2 मैच हार गया है। अभी 13 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल के 4 नंबर पोजीशन पर मौजूद है। तो चलिए अब हम प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो इनका फॉर्मेशन रहेगा 4-3-3, गोल कीपर होगा अमरिंदर, उसके बाद राइट बैक पर रहेगा जॉइनर, सेंटर बैक पर मौजूद रहेगा गोयन के साथ शोभिक बोस, उसके बाद लेफ्ट बैक पर होगा शोभिक चक्रवर्ती। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करें तो राइट मिडफील्ड पर रहेगा मकाडो, उसके बाद सेंटर मिडफील्ड पर रहेगा शहनाज और लेफ्ट मिडफील्ड पर रहेगा मिलन। फॉरवर्ड की बात करें तो राइट विंग पर रहेगा इशोक को, लेफ्ट विंग पर रहेगा बास्टोस और स्ट्राइकर का भूमिका निभाएगा सोगो। तो ये तो हो गया मुंबई सिटी एफसी के बारे में बातचीत। अब चलिए बात कर लेते हैं एटीके के बारे में। तो एटीके का लास्ट मैच हुआ था एफसी पुणे सिटी के साथ, जहां पर एटीके ने एक गोल लगाया था और एफसी पुणे सिटी ने एक भी गोल नहीं लगा पाया और एटीके इस मैच पे जीत हासिल कर लिया। तो आप लोग जानते होंगे कि एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर लास्ट मैच पे मैच जीत लिया था एटीके ने। एटीके की तरफ से गार्सो ने एक गोल लगा दिया था और एटीके ने मैच जीत लिया। तो दोस्तों एटीके के साथ अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप लोग जानते हो कि वो अभी गोल स्कोर नहीं कर पा रहा है और उनका जो मेन स्ट्राइकर है वो इंजरी हो गया है। और उनके बाद अगर अल्फारो को लिया तो अल्फारो भी अब इंजर्ड हो चुका है, यानी कि जले पे नमक छिड़क गया है। तो बहुत ही अभी बुरा हो रहा है एटीके के साथ। थोड़ा इस मैच पे इनका पोजीशन चेंज करके सभी खिलाड़ी को खिलाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से चेंज हो सकता है पोजीशन के प्लेइंग 11 में, मैं आपको प्लेइंग 11 में अभी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अभी तक एटीके का ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से रहा। तो दोस्तों अभी तक एटीके ने टोटल 7 मैच खेला है, 3 मैच जीता है, 1 मैच ड्रॉ किया है, 3 मैच हार गया है और 10 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल के 6 नंबर पोजीशन पर है। तो चलिए प्लेइंग 11 में प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो इनका फॉर्मेशन होगा 4-3-3, गोल कीपर रहेगा अरिंदम, उसके बाद राइट बैक पर रहेगा एबलन खोक, सेंटर बैक पर मौजूद रहेगा जॉन जॉनसन और बेके आज खेल सकता है, उसके बाद लेफ्ट बैक पर रहेगा रिकी, मिडफील्ड पर चला जाएगा राइट डिफेंसिव मिडफील्ड पर रहेगा गर्सन को अगर ऊपर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट मैच पे बहुत ही अच्छा खेला था ऊपर में जाकर। और अगर गर्सन को नहीं खिलाया तो यहाँ पर नुसर आलम उनको मौका मिल सकता है। उसके बाद लेफ्ट डिफेंसिव मिडफील्ड पर रहेगा प्रणोय हल्दर, सेंटर मिडफील्ड में अटैक करने के लिए मौजूद रहेगा एवर्टन सेंटर, उसके बाद अगर फॉरवर्ड की बात करें तो राइट विंग पर रहेगा कोमल ठटर, लेफ्ट विंग पर रहेगा लंजारोटे, यहाँ पर बलवंत भी रह सकता है और स्ट्राइकर की भूमिका में बलवंत रहेगा या लंजारोटे, दोनों में से कोई अदली बदली करेगा इस मैच पे। तो दोस्तों ये तो हो गया दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत। उनका प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 आपका क्या रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अब चलिए बात कर लेते हैं विनिंग चांसेस के बारे में। तो दोस्तों इस मैच में तो मुंबई का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी रहेगा, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगा, उसके बाद एटीके अभी बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में रहेगा। तो शायद एटीके इस मैच पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका मेन स्ट्राइकर अभी तो बाहर ही है। तो मुंबई सिटी एफसी का जीतने का चांस रहेगा 65%, एटीके का जीतने का चांस रहेगा 35% और ड्रॉ होने का चांस रहेगा 50%। आपका क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। आईएसएल 5 सीजन में आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।